हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को धरने पर बैठे हुए काफी समय हो चुका है और वे लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष भी सरकार पर हावी होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने पहुंच रहा है। वहीं अंबाला में भी युवा कांग्रेस की ओर से पहलवानों के हित में एक कैंडल मार्च निकाला गया। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस नेता जग्गा खैरा ने बताया कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को बैठे हुए काफी समय हो चुका है, वहीं अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन अब सरकार को उसी नारे पर अमल करने की जरूरत है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जो आज हमने कैंडल मार्च निकाला है जगाधरी गेट तक, इसका एक ही मुद्दा है, जो हमारी बहनें पहलवान जंतर मंतर पर पिछले 16-17 दिनों से वहां पर बैठी हैं इंसाफ के लिए, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए, जो एक बीजेपी का एमपी है और कुश्ती संघ का चेयरमैन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए उसने 7 लड़कियों समेत, एक जिनमें नाबालिग है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो उन्होंने उस पर FIR कराई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी बहनें बैठी हैं उसके हक में हमने यहाँ पे एक अपना रोष जताया कैंडल मार्च निकाल कर। बीजेपी तो हमेशा से डिफेंड करती आई है, जैसा आपने किसान आंदोलन में देखा, टोनी मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे ने कितने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। और हमारा हरियाणा में देख लीजिए, संदीप मंत्री हमारा, इससे इस्तीफा नहीं लिया गया, ऐसा ही उसको डिफेंड किया जा रहा है। ये पार्टी हमेशा ही जो भी अपने इनके मंत्रियों पर जो भी केस होते हैं हमेशा उनको डिफेंड करती है। बिल्कुल 15-16 दिन वहाँ पर बैठे हुए हो गए, धीरे धीरे ये किसान आंदोलन का रूप लेने वाला है। जैसा कि कल हमारे किसान वहाँ पर पहुँचे, उन्हें बैरिकेड लगा के रोका गया, ऐसा ही किसान आंदोलन के टाइम जब हम चले थे तो बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा था, ऐसा ही ये रूप लेने वाला है अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल जैसा दिशा निर्देश होगा और जैसे सबके साथ सलाह होगी वैसा अगला कदम उठाया जाएगा। अगर हमें यहीं पर रहकर प्रोटेस्ट करने को कहा गया तो हम उस तरीके से करेंगे, और अगर वहाँ दिल्ली जाने की बारी आई तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम वहाँ पे पूरे जोर शोर से पहुँचेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।